हेडलाइट जो हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी है, वो एक बार इंडिकेटर देके दिखाना। ये देख सकते हो आप, इसके अंदर आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। हमारे 20 इंच के अलॉय व्हील्स इसके अंदर लगे हैं। तो मैं आपको इंटीरियर में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग सीट कवर देखोगे जो कि हमने सेम है टॉप मॉडल हमने इसके अंदर इंस्टॉल करे, जो टॉप मॉडल Z8 लगे हैं। हेलो गाइस, ब्लॉगर मान बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो आज हमारे साथ सोनू भाई हैं। तो आज आपको हम दिखाने वाले हैं स्कॉर्पियो NZ2 के ऊपर मॉडिफाई। तो आपको दिखाने वाले हम इंटीरियर में क्या क्या काम हुआ है। तो जो हमारी पहली गाड़ी हो रही है वो तो हो ही रही है। हाँ। जो दूसरी वाली गाड़ी के अंदर आप देख सकते हो बिल्कुल ब्लैक। अच्छा, ये पैनो ब्लैक हो गया, बिल्कुल है। इसका लीवर और लेवर लीवर हो गया या फिर ग्रैब हैंडल, साइड पावर विंडो, बीच में आप देख सकते हो। अच्छा, सेंटर वाला पार्ट स्टूडियो तक। अच्छा, ये पूरा ही कर दिया हमने। हाँ, पूरे। तो अच्छा, एंड में आप लोग देख सकते हो। तो ये चीज अब हम इसके अंदर पूरी करने लग रहे हैं। हाँ, रूफ रेल और फुटर लग गया। हाँ, रूफ रेल जो है हमने इसके अंदर Z4 वाली डाली है। Z4 तो ये देख सकते हो, ये इसके ऊपर व्हील कैप हमने लगाए Z4 वाले। अच्छा, तो इसको हमने Z2 से Z4 कन्वर्ट करा। तो ये आगे चल के हो सकते हैं अलॉय वेलॉय डलवाए तो आग में डलवा सकते हैं। बट यहाँ से जो हमने इसके फॉग हेडलाइट भी टॉप मॉडल लगाई है। एक बार ऑन करके दिखाओ भाई। फिर ये देख सकते हो, ये पियानो करा है, आता है ऐसा। अच्छा, पियानो आता है इसमें। पर देख सकते हो इसके अंदर आपको मैट्रिक्स इंडिकेटर मिल जाता है, ठीक है। और इसके अंदर LED वगैरह पहले से ही आती है। क्या बात है। तो मतलब इस गाड़ी के अंदर कुछ हुआ और कुछ नहीं हुआ, पर उसमें कुछ हुआ, उसमें बहुत कुछ हुआ है। जरूरत की चीजें इसमें हुई है, उसको मॉडिफिकेशन में ले लेंगे। पंजाब से आई है वो वाली गाड़ी हमारी। अलॉय आप लोग देख सकते हो इसके अंदर लुधियाना से डले हुए। और दिखाते हैं आपको उस गाड़ी का भी क्या सिस्टम। तो गाइस, ये हमारा छोटा भाई है, सोनू भाई का भतीजा है। सोनू भाई, इतने चैनल बना रखा है भाई का। चैनल है, क्या नाम है भाई चैनल का? मोक्ष ऑटो व्लॉग। मोक्ष ऑटो व्लॉग्स, MOKSHAUTO। मोक्स ऑटो व्लॉग्स। तो भाई का चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई भी वीडियो डालता रहता है, छोटा भाई है, सपोर्ट करो। सोनू भाई का कहाँ से पता? सोनू भाई का भतीजा है, सोनू भाई के छोटे भाई का बेटा है। इसका 5000 रुपये कर दो, 2 महीने की छुट्टी से पहले। भाई के सब्सक्राइब करो फटाफट से। भाई भी डालता है वीडियो, बड़ी अच्छी डालता है। भाई को सपोर्ट करो आप बढ़िया तरीके से, ताकि भाई और ज़्यादा आगे बढ़े इन चीज़ों में। हमारे सामने ये NZ2 आई थी, पर अब Z2 नहीं बची। Z2 रहने नहीं देते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर आप लोग देख सकते हो काफ़ी कुछ काम हमारा हुआ है इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़ आपको हम फ्रंट प्रोफाइल से दिखाएं। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी इसकी टॉप मॉडल वाली हेडलाइट जो हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी है। वो एक बार इंडिकेटर देके दिखाना। ये देख सकते हो आप, इसके अंदर आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ये टॉप मॉडल में ही आते हैं। तो बहुत कम लोग इस लाइट को इंस्टॉल करवाते हैं। सब कोई LED लगवाता है, कोई हेडलाइट लगाता है। हाँ, ज्यादातर लोग LED लगवाते हैं। LED लगवा लेते हैं, उसका थ्रो में और उसके थ्रो में बहुत फर्क है। ठीक है, हल्का है। हाँ, LED लगती है, उसका थ्रो थ्रो थोड़ा ज्यादा होता है। बट लुक वाइज ये थोड़ी अच्छी बेटर लगती है। DRL उसके सस्पेंशन के चक्कर में लोग ये लगवा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल मिलेंगे हमेशा। और इसके अंदर जो मेन चीज जो होती है फॉग लाइट DRL, फॉग लाइट DRL जो कि हर बंदा लगवाता है, चाहे Z2 वाला हो चाहे Z6 वाला हो, सबकी जरूरत है। सब लगता ही लगता है, सबसे पहले आते यही लोग मांगते हैं, लोग यही मांगते हैं। तो उसके बाद फ्रंट ग्रिल हो गई, जो इसमें हमने क्रोम के सात क्रोम के पिलर, 6 पिलर और एक पूरा। तो मतलब ये आप कह सकते हो पूरी ग्रिल रिप्लेसमेंट टॉप मॉडल वाली हमारी, टॉप मॉडल वाली ग्रिल इसमें रिप्लेस कर दी है। ठीक है, साइड प्रोफाइल में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे हमारे 20 इंच के अलॉय व्हील्स इसके अंदर लगे हैं। और ये हमने नहीं लगाए, कस्टमर खुद लगा के हैं, इन्होंने लुधियाना से लगवाए वेलोसिटी से। तो काफी फेमस है अलॉय इसके लिए। साइड में आओ तो हमने साइड का फुटरेस्ट चेंज करा इसके अंदर, जो कि महिंद्रा जेन्युइन रहने वाला है। फुटरेस्ट इसके अंदर आता नहीं है Z2 के अंदर। हाँ, और एक जेन्युइन रूफ रेल है, रूफ रेल डाली जो कि हमने Z4 वाली डाली है इसके अंदर, ब्लैक वाली। ठीक है, क्योंकि गाड़ी के अंदर ब्लैक की जो एक थीम थी ना, वो हमें मेंटेन रखनी थी। फुटरेस भी आप देख सकते हो फुल ब्लैक है, फुटरेस भी ये फुल ब्लैक है। ये साइड बिडिंग में हमने इसकी नहीं छेड़ी, क्योंकि जो भैया इनको चाहिए था ऑल ब्लैक वाला लुक गाड़ी के अंदर, डी क्रोम वाला। तो एक हैंडल को देखो, इसीलिए हमने ब्लैक करा है। हां, ORVM भी इसमें ब्लैक करे विद इंडिकेटर करके। ठीक है, इसके और फोल्डिंग करे, ऑटो फोल्डिंग करे, इंडिकेटर आता है इसके अंदर, बट हमने फोल्डिंग करके इसके अंदर दिखाया। देख सकते हो, ये देखो, तो हम दिखाते हैं आपको। ये देखो, यहाँ से सोनू भाई बटन दबाएंगे, ये फोल्ड हो गया, ये अनफोल्ड हो गया। क्या बात है, एडजस्ट भी होता है इसके अंदर से, एडजस्टमेंट भी होती है। और एडजस्टमेंट आप लोग देख सकते हो, मोटराइज एडजस्टमेंट होती है इसके अंदर। ये देखो, मेरी में से होती है इसके अंदर। देखो, मैं दिखाता हूँ एक बार, ये अब राइट करोगे इसे। अच्छा, इसको फिर ये देखो, ये उल्टा था बटन, उल्टा बटन सुर मैंने लेफ्ट कर दिया था। ये देख सकते हो, तो ये फुल्ली मोटराइज रहता है हमारा। तो ये जो है, जो पूरा साइड मिरर रिप्लेसमेंट होती है,
ये पूरा मिरर चेंज होता है Z8 वाला, Z8 वाला पूरा कंप्लीट चेंज होता है। ठीक है, हैंडल मैंने आपको दिखाई दिए। ठीक है, इसमें जैसे लोअर गार्निश चेंज पार्ट वाला भी मिल जाता है। हाँ, तो भाई ने ब्लैक थीम रखी तो उसने ब्लैक, तो ब्लैक थीम की वजह से उन्होंने छेड़ा नहीं, डीक्रोम वाला लुक चाहिए था हमें। बाकी आप लोग चाहो तो ये ग्लास भी हम चेंज कर देते, ग्लास भी चेंज हो जाता है। और अगर ये चाहो उसके बाद पेस्टिंग वाला ऑप्शन तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। पीछे गाड़ी के हम चलेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीछे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। अच्छा, स्पॉइलर लगा है। हाँ, स्पॉइलर के अलावा वाइपर भी आप लोग लगवा सकते हो। फुली एक्टिवेटेड वाइपर है, डिफॉगर मिल जाएगा आपको, सारी चीजें हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आप लोग रिफ्लेक्टर भी नीचे चेंज करवा सकते हो, एलईडी वाले काफी अच्छे लगते हैं तो वो ऑप्शन भी आप लगवा सकते हो। बाकी यहाँ पे क्रोम वाली जो ये बीडिंग है ये मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला जो इसको सिल्वर भी कर देते हैं, स्किड प्लेट आगे पीछे दोनों सिल्वर करा सकते हो। ठीक है, तो अंदर से आपको मैं दिखाना चाहूंगा, तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो अंदर मैंने गाड़ी में जो काम हुआ है अंदर से सिंपल और सोवर काम हुआ है इसमें, एंबियंस राइड, एंबियंस राइड। सबसे बड़ी मेन चीज तो देखो जेट 2 में ये हैंडल नहीं होता जो हमने हैंडल इंस्टॉल करा है। हाँ, इसको आप पकड़ के बैठ सकते हो, तो ये दोनों साइड नहीं आता, उतरना हो तो बंदा उतर। हाँ, तो SUV का जो मजा होता है ये हैंडल से आता है, ये हैंडल पकड़ के बैठने में मतलब एक अलग फील आते हैं। बात करो तो देखो डोर के अंदर में हमने ये सिल्वर पार्ट चेंज करा है। ठीक, इसमें सिल्वर करे हमने, जो कि महिंद्रा जेन्युइन है हमारा, महिंद्रा जेन्युइन वाला। ये देखो पॉलिथीन में भी उतर रही है। इधर देख सकते हो ये वाला पार्ट भी जो ये रिप्लेसमेंट है, पियानो ब्लैक इसके वाले पार्ट करे, ये पियानो ब्लैक करा है। हाँ, ये चारों डोर में हुआ हुआ है, तो चारों डोर में चेंज होता है। अगर आपको स्विच भी चेंज कराना है तो स्विच भी चेंज, स्विच भी पियानो ब्लैक वाला मिल जाता है, पर ज्यादातर लोग इतना करा लेते हैं, काम चल जाता है, चल जाता है, बेहतर होता है। खुद कराना करा लो, मिल जाएगा आपको, ऑप्शन है आपके पास। तो मैं आपको इंटीरियर में लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप लोग सीट कवर देखोगे जो कि हमने सेम है, टॉप मॉडल हमने इसके अंदर इंस्टॉल करे, जो टॉप मॉडल Z8 लग्जरी में आते हैं, मगर ये लग्जरी वाले कंपनी के नहीं है, हमारे खुद के, हमारे अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। तो सीट कवर के आप लोग फिनिशिंग, फिट एंड फिनिशिंग आप लोग देख सकते हो। प्रॉपर देखो थाई सपोर्ट पूरी साइड से, ऊपर से, कॉर्नर से, और इसके अंदर पैडिंग भी होती है, गर्मी नहीं लगेगी। पैडिंग बिल्कुल मस्त है, ये देखो ना पूरा पंचिंग के साथ मिल जाता है। पंचिंग डिजाइन में ड्यूअल टोन में रहता है हमारा, जैसे गाड़ी का इंटीरियर से मुझसे मैचिंग से टॉप मॉडल में आता है। तो स्टॉक डिजाइन ये देख सकते हो, आर्मरेस्ट को हमने सॉफ्ट टच करा है। ठीक है, आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच करा, आर्मरेस्ट उसके अंदर सॉफ्ट टच हो चुका है। हाँ, आप चाहो तो डोर में भी सॉफ्ट टच करा सकते हो, डोर और डैशबोर्ड में भी करवा सकते हो, ऑप्शन मिल जाता है आपको। ठीक है, मैं सेंटर पैनल दिखाऊं, पियानो ब्लैक करा हुआ है, ये पूरा पियानो ब्लैक करा है। स्टीरियो का देखो पूरा स्टीरियो फ्रेम रफ में आता है, ये भी पियानो ब्लैक, इस मॉडल के अंदर रफ आता है सब कुछ, सब कुछ। स्टीरियो फ्रेम भी हमको करना पड़ता था, वो भी हमने इसके अंदर पियानो ब्लैक करा। ठीक है, तो एक और दिखाऊं मैं आपको, 70 मैट आप लोग देख सकते हो, काफी बढ़िया है इसके अंदर, मतलब इंटीरियर से मैचिंग वाले हमने इसके अंदर कॉफी कलर के लगाए, बिल्कुल मैचिंग के लगा। आप एक चीज देखो उसमें, तो अब इधर आप लोग देखोगे स्टीयरिंग कवर की फिनिशिंग, आप लोग देख सकते हो स्टीयरिंग कवर बिल्कुल बढ़िया लगा, मतलब टॉप मॉडल में भी ऐसा नहीं आता। तो ये भी ड्यूअल टोन कर दिया हमने, ड्यूअल टोन स्टिचिंग हो गई, उसका सीट कवर की मैचिंग के हिसाब से इसको कर दिया। हां, और स्टीयरिंग स्विच देखो आप, स्टीयरिंग कंट्रोल आप लोग देख सकते हो, दोनों पियानो ब्लैक कर दिया इसके अंदर, क्या बात है, जो कि टॉप मॉडल में भी नहीं आता। नहीं, कुछ चीजें ऐसी है जो टॉप मॉडल में नहीं आती पर आपको हमारे पास देखने को मिलेंगी। तो इस इतने नीचे आप MID भी कंट्रोल कर सकते हो, देखो MID कंट्रोल यहीं से हो जाएगी हमारी, ये देखो MID कंट्रोल, ये सब जादू है, धीरे धीरे जब आएगा लोग तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो धीरे धीरे आपको काफी ज्यादा अपग्रेड देखने को मिलेंगे गाड़ी के अंदर। कभी कभी गाड़ी में जितनी रोशनी करने के बाद भी अंधेरा है। हाँ, उसके लिए हमने रोशनी के लिए यहाँ पे एक जादू करा है। अरे क्या बात है, 150 वाट LED भी आ गई भाई, मजा आ गया। इनके लिए वो भी लगा सकते हो, फुल टू रोशनी देख सकते हो भाई। फिट एंड फिनिशिंग में एक बार बंद करके दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो, कहीं से आपको कोई कमी पेशी देखने को नहीं मिलेगी, फुल फिटिंग के साथ, फिनिशिंग के साथ आप लोग देख सकते हो। और पूरा चार चांद लगा देगा, चार चांद फुल रोशनी करते थे रात, क्या बात है भाई, अभी तक जलाई नहीं थी हमने। अब एक बार मैं आपको दोबारा इंटीरियर दिखाता हूँ इसी बात में, ये देख सकते हो भाई। तो अब आपको बढ़िया डिटेल में आपको देखने को मिलेगा इंटीरियर, काफी बढ़िया तरीके से इंटीरियर का काम हुआ है गाड़ी के अंदर, रोशनी अच्छी है। बहुत बढ़िया इंटीरियर हो सकता है, जिसको कराना तो बहुत 2-3 दिन का टाइम लगता है, एक से एक इंटीरियर हो सकता है, जैसे पूरा डैशबोर्ड छत भी हो सकता है। तो अभी तो हम ज्यादातर जो इस गाड़ी का स्टॉक ही कर रहे हैं, जैसा स्टॉक आता है, बाकी आने वाले टाइम में हो सकता है इसका पूरा इंटीरियर आपको अलग चेंज करके दिखाते हैं। 10 में करा लो, चेरी में करा लो, वो सब कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सेम चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, बढ़िया तरीके से सारा काम इस गाड़ी का हो चुका है। ये गाड़ी आई थी हमारी पंजाब से, पंजाब से आई थी, सुबह आई थी, शाम को मिल गई, शाम में मिल गई ये गाड़ी। काम ज्यादा नहीं था, पेंट का काम भी कम था, पेंट हमारे पास अवेलेबल होता है। किसी भाई को आना हो तो भाई प्लीज व्हाट्सएप पे टाइम लेके आए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज होती है, गाड़ियाँ ज्यादा होती है, तो इसलिए 1 या 2 दिन का
एक या दो दिन का टाइम लगा। सुनो अगर बजट की हम बात कर ले Z2 वाले भाइयों के लिए लगभग कितना बजट लग जाता है इस तरीके का काम कराने का? काम का बजट 1.25 लाख रुपए मान के 1.25 लाख रुपए जिसमें सब कुछ हो जाता है, मतलब पूरे टॉप मॉडल वाला सारा काम हो जाता है। हम बताते हैं पूरा ओवरऑल काम करके देते हो तो वाइपर वगैरह सब कुछ लगा के सब पूरा कंप्लीट गाड़ी का काम होता तो 1.5 लाख रुपए 1.5 से 2 लाख रुपए विद अलॉय व्हील टॉप मॉडल वाले। टॉप मॉडल वाले बात करेंगे आप बोलो भाई ये लगा के दे दो ये नहीं देंगे 1.5 से 2 लाख के अंदर सारा काम मैक्सिमम टॉप मॉडल काम हो जाता है पूरा मैक्सिमम हो जाता है। एक दो चार आइटम जो आती है वो रह जाती है जो टॉप मॉडल पुश बटन हो गया सनरूफ हो गई तो कई चीजें ऐसी आती जो नहीं हो पाती। बाकी लुक वाइज जो गाड़ी को हम होते हैं कि पूरा लगभग कोई नहीं बता सकता कि ये Z2 मॉडल है बिल्कुल, बस कोई अगर सनरूफ देखेगा तो उसको पता लग जाएगा। वैसे बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही बात है भाई। तो आज बजट भी बता दिया, तो ये थी हमारी आज की एंड की वीडियो। ट्राई करते हैं भैया से बात करने की, भैया बात करते हैं उनको बस ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाड़ी हो चुकी हमारी बढ़िया तरीके से फाइनल। तो ये हमारे भैया हैं जिनकी कार है। भैया कहाँ से आए थे आप? पंजाब से आए। आपको रेफरेंस कैसे मिला था यहाँ का? अच्छा फ्रेंड ने रेफरेंस दिया था और वीडियो भी देखे थे आपने, तो मतलब जैसा आपने वीडियो में देखा और आपके फ्रेंड ने जो रेफरेंस दिया उस हिसाब से परफेक्ट है बिल्कुल। जैसा आप एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे सेम वैसा काम मिला है, कोई कमी पेशी नहीं मिली। तो अगर 10 में से रेटिंग देना चाहो 10 में से 10 बिल्कुल। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है। एलॉय की चॉइस आपकी बहुत अच्छी है। अजय वेलोसिटी से लगवाए आपने? वेलोसिटी भाई बहुत फेमस है, ज्यादातर लोग वहीं से एलॉय लगवाते हैं जो ज्यादा दूर जाने से, बाकी एलॉय तो सब जगह मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो, चैनल को भाई को लाइक करो, शेयर कर दो, फैला दो और जेवटो को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो भाई साहब, रोज नई नई अपडेट मिलती रहेगी उसमें। हाँ और लेटेस्ट चीज वहीं पे देखने लेटेस्ट चीज वहीं देखने को मिलेगी। और हमारे मोक्ष भाई को भी फॉलो करो, छोटा भाई हमारा, उसे सपोर्ट करो। ठीक है, बाकी आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।